नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या वो बिजनेसमैन हो, या वो मेरे व्यापारी भाई हो जो लॉकडाउन में दुकान नहीं खोल पा रहे हैं और उनको ये भी पता है कि लॉकडाउन के बाद भी अगर मैं शॉप खोलूँगा तो हो सकता है कि कस्टमर ना आए। इसके अलावा वो लोग जो लॉकडाउन की वजह से जिनकी जॉब्स चली गई हैं या जो जानते हैं कि उनको नई जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, वो अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, जिससे 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने में आपको मौका मिलेगा, या आप इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत करके आप अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका घर से भी स्टार्ट हो सकता है और बहुत बड़े फेम में भी स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, लॉकडाउन के कारण बहुत समय से हमारे देश बंद है, जिससे कि बहुत सारा बिजनेस इफ़ेक्ट कर रहा है। ऑल ओवर 75% तक इकनॉमी गिरने की उम्मीद है। और इसी के साथ मैंने कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में भी अपने बताई थी कि 77% सेक्टर्स अफेक्टेड हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे सेक्टर्स हैं, टोटल एग्जेम्प्ट सेक्टर है 22.4% ही ऐसे सेक्टर हैं जो अभी बिजनेस कर पा रहे हैं, जबकि 77.6% सेक्टर्स आपके अफेक्ट हो गए हैं इस लॉकडाउन के कारण। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या होगा? जो लोग लग्जरी गुड्स बेचते हैं, ठीक है, वो क्या अपने कस्टमर्स को उसी कंडीशन में पा पाएंगे जैसे पहले पाते थे? कस्टमर्स क्या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अपने घरों से निकलना स्टार्ट कर देंगे, अपना सामान को लेना स्टार्ट कर देंगे? ज़रूरी सामान तो हर व्यक्ति ले रहा है, मगर जो बाकी लग्जरी आइटम्स हैं वो लेंगे कि नहीं लेंगे ये डिपेंड करता है। और जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी ये डर सता रहा है कि क्या हमारे गुड्स हम उसके बाद बेच पाएंगे। कार हो गई है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, क्या लोग उसी फेम में बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सोचा है और मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो फिर से चलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि बिज़नेस किस किस के लिए आइडियल है। स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, किसी भी ग्रुप का पर्सन हो, घर पे काम करने वाला पर्सन हो, जिसकी जॉब चली गई है ऐसा कोई बंदा हो, वो भी इसमें स्टार्ट कर सकता है। जो बिज़नेस कर रहा है वो भी स्टार्ट कर सकता है। ये आपकी ये जो इस टाइप की शॉप्स हैं, इवन सर्विस प्रोवाइडर है, सभी लोग इस टाइप के बिज़नेस को कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर से अपने बिज़नेस की। इस बिज़नेस का नाम है वेबिनार बिज़नेस। अब वैसे तो वेबिनार बिज़नेस का कोई आइडिया ऐसा नहीं है। वेबिनार जस्ट लाइक आप एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप के ज़रिए हम बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो थोड़ा सा वेबिनार के बारे में बता देता हूँ मैं कि वेबिनार क्या है। एक वेबिनार एक कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग और प्रेजेंटेशन है जो इंटरनेट पर कंडक्ट की जाती है, ठीक है। अब इस इंटरनेट पर कंडक्ट होने वाली मीटिंग से होता क्या है? एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जिसमें हम वेब कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक साथ 100-200 लोग मिल के बैठ के एक मीटिंग में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब तक तो ये चीज़ यूज़ होता था कि ऑनलाइन मीटिंग्स करने के लिए यूज़ होता था, बट आप एक छोटे से बिज़नेस से लेके बड़े से बिज़नेस तक इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक छोटा एरिया से लेके बड़े एरिया में कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटी शॉप में सामान लेने जाते हैं, ठीक, तो आप घर से निकलते हैं, शॉप में जाते हैं, सामान देखते हैं, पसंद करते हैं और लेते हैं और घर आते हैं। ये तो नॉर्मल बिज़नेस का तरीका था। दुकानदार क्या करता है, अपने दुकान में सामान लगा देता है, और लगाने के बाद क्या होता है कि ये देखिए, जैसे दुकानदार अपनी दुकान में सामान लगा देता है, वह कस्टमर आता है, अपना सामान को पसंद करता है और सामान को ले लेता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई मेडिकल एक्सेसरी स्टोर वाला है, कोई
क्लोथ्स की शॉप वाला है वो क्या करेगा, वो भी कपड़े लगा देगा, लोग आएंगे ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई ज्वेलरी बिजनेस वाला है वो क्या करेगा, वो भी सामान लगाएगा, लोग आएंगे ले जाएंगे। मगर अब लॉकडाउन के बाद क्या होगा, लॉकडाउन के बाद देखिए जो एसेंशियल गुड्स हैं उसको तो लोग लेने जाएंगे मजबूरी में ही, खाना अगर नहीं खाएगा तो आदमी जी नहीं सकता है तो वो लेने जाएगा। मगर क्या लग्जरी गुड्स लेने के लिए लोग उसी रफ्तार से जाएंगे जिस रफ्तार से पहले जाते थे? नहीं। तो हमने क्या किया है, हम इस वेबिनार बिजनेस को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे वो आके बिज़नेस करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वेबिनार बिज़नेस में होता क्या है बेसिकली। अब देखिए मैं आपको आपके साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, उस स्क्रीन से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम वेबिनार बिज़नेस को कर सकते हैं। देखिए कुछ मोबाइल पर ऐप्स होते हैं, मैं आपको कुछ ऐप्स के बारे में बता दे रहा हूँ, जैसे कि गो टू मीट, जूम मीट, गूगल मीट, ये सारे ऐप्स हैं। अब हम मान लीजिए जूम पे जाते हैं, जूम एक हमारा ऐप है, ये देखिए मैं ऐप पूरा ओपन कर रहा हूँ, उस ऐप के ज़रिए ही मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। अब जूम में देखिए क्या क्या होता है, इसमें मीटिंग और चैटिंग साथ में की जा सकती है। आप क्या करेंगे, आप इसमें मीट करेंगे, लोगों से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ उनसे चैट कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपको एक छोटा सा शॉपिंग मॉल टाइप की चीज़ करनी है, आपने कई सारे शॉपकीपर से बात कर लिया, आपने कस्टमर्स से बात कर लिया है, तो या आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप पे लोग ऐड हैं, वो सारे किसी चीज़ को लेना चाहते हैं। अब आप क्या करोगे, आप उसमें एक मीटिंग अरेंज करोगे। अब देखिए ऐसे मीटिंग अरेंज करने के लिए कई चीज़ें हैं, आप शेड्यूल मीटिंग कर सकते हैं इस तरीके से कि आप कोई मीटिंग बनाइए, कब कब शेड्यूल करनी है, कैसे कहाँ पर यूज़ होगी, उसमें मीटिंग पासवर्ड लगा सकते हैं अगर सिक्योर्ड करना चाहते हैं तो। इसके अलावा इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एज अ एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने क्या किया, अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के हिसाब से बताता हूँ, मोहल्ले में जैसे मान लीजिए 50 परिवार रहते हैं, उन 50 परिवार के लोगों का फ़ोन नंबर आपके पास होगा या आपने उसको किसी तरीके से अरेंज कर लिया। अब आपने एक मीटिंग बनाई जिसमें से वो 50 लोग आपके उस मीटिंग में आ गए, उस मीटिंग में आने के साथ ही आपने उस एरिया के आसपास के जो शॉपकीपर्स हैं या दूर के भी जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी उस मीटिंग में बुला लिया और उनसे कहा कि आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है अपना, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स आपको भेज दें। आप पहले से ही कुछ अपनी PPT बना लीजिए, या इसके लिए हाँ थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, PPT बना लीजिए या एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लीजिए। अब उस प्रेजेंटेशन को आप जब वो मीटिंग स्टार्ट हो रही होगी उस प्रेजेंटेशन को वहाँ पे आपको रखना है। एक सबसे इस मीटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सारे कॉन्टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, सारे कॉन्टेक्स्ट आपस में भी बात कर सकते हैं, आपसे ही बात कर सकते हैं और साथ ही साथ मीटिंग में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने न्यू मीटिंग ऑन किया, ठीक, न्यू मीटिंग ऑन करते ही आपके पास कुछ वीडियो ऑन करने का फीचर है, वीडियो ऑफ करने का फीचर है, पर्सनल मीटिंग के लिए एक पर्सनल नंबर का फीचर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने मीटिंग स्टार्ट किया, अब मीटिंग स्टार्ट जब होगी तो अब देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे ओरिजिनल मीटिंग की बात कर रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट होगी तो इस तरीके से पूरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अब आप तो वीडियो ऑफ कर सकते हो, वीडियो ऑन कर सकते हो, म्यूट ऑन कर सकते हो, म्यूट ऑफ कर सकते हो, इवन आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो। अब शेयर कैसे होगी, अब देखिए शेयर आप कैसे करोगे, आप शेयर में फोटोग्राफ शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ शेयर करना है, आप डॉक्यूमेंट में गए तो डायरेक्टली आपकी डिवाइस स्टोरेज में चली जाएंगी चीज़ें। ये सब कुछ मैं फ़ोन पे ही कर रहा हूँ, डिवाइस स्टोरेज में देखिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी आपने ऐसा बनाया हो, अब जैसे जैसे मान लीजिए आपने कोई PPT बनाई है, जैसे कि मैं अगर डाउनलोड्स में जाता हूँ या मैं किसी डॉक्यूमेंट्स में जाके, डॉक्यूमेंट्स में इस समय तो फ़ोन में कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ भी ओपन करके इस समय दिखा नहीं सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो है, मैं फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ,
मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ इसी के साथ ही साथ। आप कोई भी चीज इसमें से आप शेयर करके डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि कैसे हम, जैसे ही आप इन सब चीजों को शेयर करेंगे, वो पूरी पीपीटी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, और स्क्रीन पे आने के बाद आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो एज एज अ प्रेजेंटेशन, या ये कह सकते हैं एज अ एडवर्टाइजमेंट। अब उस एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, लोग जाएंगे उस चीज को देखेंगे, और देखने के बाद अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट समझ में आएगा तो उस प्रोडक्ट के बाद वो क्या करेंगे, उस कस्टमर के पास जाएंगे, और कस्टमर के पास जाने के बाद उससे कहेंगे कि हमें ये चीज पसंद है। पसंद आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वो शॉपकीपर उस सामान को उस कस्टमर तक पहुंचा सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा कि घर बैठे आदमी 20 से 25 टाइप की दुकानों के साथ एक साथ देख लेगा। आपने अगर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा, या पुस्तक मेला लगता है उसके बारे में सुना होगा, कुंभ मेले के बारे में सुना होगा, तो उन मेले में अक्सर क्या होता है कि एक जगह होती है जिसको लोग अरेंज करते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, सामान पसंद करते हैं और ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सामान लेने जाते ही हैं, बस वो उनको पसंद आता है तो वो ले लेते हैं। तो आप इस टाइप का एक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म आप इस वेबिनार बिजनेस के ज़रिए आप एक छोटे से लोकल लेवल पे कर सकते हो, आप क्या कहते हैं राज्य के स्तर पर कर सकते हो, देश के स्तर पर कर सकते हो, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, आप इसको लोकल से लेके ग्लोबल तक आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस बिजनेस की खासियत है। अब आपको क्या करना है, बस यही सारे ऐप्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि तो अभी तो आप लोग घर पे रहिए, और कैसे ये वेबिनार ऐप्स चलते हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद कैसे प्रेजेंटेशन बनती है। जैसे मैंने देखी ये सारी प्रेजेंटेशन बना रखी है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये सारी प्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूँ। अब इस प्रेजेंटेशन को आप, जैसे मान लीजिए कि यही है, जैसे इसमें लैपटॉप बना हुआ, इस लैपटॉप को आपको बेचना है, ठीक, तो आपने उस प्रेजेंटेशन में लैपटॉप डाल दिया, अब उस लैपटॉप के साथ ही उस शॉपकीपर का नाम एड्रेस डाल दिया। वो क्या करेगा, जिस भी पर्सन को इस चीज, इस तरीके की चीज को लेना होगा, वो डायरेक्टली उस शॉपकीपर से बात कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, शॉपकीपर उस सामान को डायरेक्टली उनके घर भिजवा सकता है। फायदा क्या होगा कि लोगों को घर से निकलना अगर नहीं चाहते हैं तो बिना घर से निकले भी सामान परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अब तक बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, जैसे अमेजोन कर रही हैं कि वो एक तरीके का शॉपिंग मॉल कर बना देती हैं, मगर वहाँ क्या समस्या है, वहाँ ये समस्या है कि एक बड़ी कंपनी है, लोग उसमें सामान देखते हैं और सामान ले लेते हैं। बट आप क्या करोगे, आप लोकल लेवल पे इस काम को करोगे, कस्टमर को सामान चाहिए तो विद इन 15 मिनट 20 मिनट के में उसके पास सामान आ जाएगा। इवन उसके पास बात करने के लिए एक शॉपकीपर होगा, एक उस भरोसा डेवलप होगा उसी शॉपकीपर से जिससे वो सामान लेता था पहले, अभी भी वो उससे सामान ले सकता है। बस इसको किस तरीके से यूज करना है ये आपको अरेंज करना पड़ेगा, और शॉपकीपर्स भी क्या करें, वो भी अपने वर्कर्स को वर्क एट होम में ये सब चीज़ों को सीखने के लिए मोटिवेट करें, वो ये उनके वर्कर्स ये सब चीज़ें सीखेंगे, तो इस तरीके के वेबिनार को यूज़ करके वो जब लॉकडाउन ओपन होगा तो अपना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वेबिनार के बारे में कुछ भी पूछना हो तो फर्स्ट स्लाइड में मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। इवन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे होने वाले फ़ायदे को उठा सकें। मेरा मोटिव यही है कि लॉकडाउन के बाद जो हमारे देश की इकोनॉमी गिर रही है उसको हम लोग किस तरीके से अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, धन्यवाद।